हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैं नाम है अमन और आज हम लोग अपने मैनेजमेंट थॉट्स का लास्ट थ्यूरी रहे हैं जिसका नाम है मॉडर्न थ्यूरी और सिस्टम अप्रोच जिसका दूसरा नाम क्या है सिस्टम अप्रोच आपसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ देगा ठीक है ना पहले तो उसका नाम मॉडर्न थ्यूरी है फिर इसको हम लोग सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं इसको आप ध्यान रखना जैसे नियो क्या सिक्का है क्यों ह्यूमनसन बोलते हैं वैसे ही ध्यान रखो ठीक है अब चलो इसको पढ़ते हैं हम लोग द क्या मैनेजमेंट थ्यूरी देखो अब ये क्या दोस्तों थोड़ा सा चीजें आपको ना बस माइंड में रखनी है

का का कहना है कि पैसा ही केवल मोटिवेट कर सकता है इनका कहना है कि पैसा ही केवल मोटिवेट नहीं करता है जवाब में आ गए मतलब कि कि मॉडर्न कहता है नहीं भैया पैसे से भी चीजें होती हैं जिसे इंसान को मोटिवेट किया जा सकता है ठीक okay. है ना ओके अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इंप्लॉई आई मोटिवेटेड बाई सेवे डिफरेंट फैक्टर बहुत सारे फैक्टर्स हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इन आई साइंस हमको साइंस में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजेस मैथमेटिकल एनालिसिस जहाँ पे मैथ का इस्तेमाल करने भाई सब हम लोग ठीक है ना ओके okay? एंड समझने के लिए जब आप मैथ का इस्तेमाल करने जाते हो मैथमेटिक्स का मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या हो ठीक है तो इससे क्या होता है ये अब मैनेजर देन यूज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने क्या बोला था स्टैटिस्टिक्स टू गॉज एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड मेजर देयर परफॉर्मेंस अब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो होती है नंबर्स के फॉर्म में होती है तो उसको जानने के लिए मैथमेटिक्स और स्टडीस तुम्हारे करना बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से आप उसको मोटिवेट भी कर सकते हो कि आपने इतना बात काम कर दिया ठीक है जैसे इंस्टाग्राम मैं इतने फॉलोअर्स हो गए तो इंसान मोटिवेट हो जाता है वैसे ही ठीक है एसेंसी इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वॉट मेक्स एन एम्प्लॉय टिक ठीक ना हाँ इंप्लॉय का एक फॉर्म बनता है यह काम सही है यह काम सही है यह काम भैया गलत है ऐसे दे आर थ्री पार्ट इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्वान्टिटेटिव सिस्टम एंड कंटीजेंसी तो भैया पहला थ्योरी आपका है क्वान्टिटेटिव थ्योरी चलो इसमें आपको बस एक बार नॉलेज के आपको समझना है कि ये क्या होता है ठीक है ना नॉलेज के आपको समझना है एक बार चलो पहला क्या है क्वांटिटेटिव थी हुई। इसको देखते हैं क्या होता है भाई साहब ये भैया क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जब कोई चीज नंबर के फॉर्म में होती है अब मिड वर्ड वॉर टू वर्ड वन खत्म हो गया टू आ गया मिलेट्री लीडर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड किंगडम अ टीम ऑफ मैनेजर उन्होंने तो भैया मिलेट्री के जो लीडर्स थे कहाँ कहाँ के यूनाइटेड स्टेट्स के और यूनाइटेड किंगडम यूके के टीम ऑफ मैनेजर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइंटिस्ट टू देम टू टू डिटरमाइन हाउ मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज कि भैया कैसे हम लोग चीजों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं भैया के बाद में क्या हुआ यूके और यूएस के मैनेजर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिस्ट लोग मिले एक टीम बनाई और डिसाइड किया पता करने की कोशिश की कि कैसे हम लोग चीजों का अच्छे से रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं ठीक है ना ओके एक्सपर्ट यूज आई एंड गांट मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस फॉर वेरियस फीड भैया एफडब्ल्यू टीआई का टेक्निक को इस्तेमाल किया गया था गैंट बोनस को इस्तेमाल किया गया था चीजों को लॉजिस्टिकल इश्यूज को समझने के लिए

हाउ एवर दिस कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज एंड सफिसियंट टू यन ऑर्गनाइजेशन लेकिन केवल इतना सफिसियंट नहीं है किसी बिजनेस को चलाने के लिए ह्यूमेस्टिक अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन आर ऑल्सो नीडेड इंसान के मोटिवेशन इंसान का नीड वो जो काम करता है उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है चलो अब दूसरा अप्रोच है सिस्टम इस सिस्टम में छेद कह देंगे गाना आया ना जो भी मतलब मुझे पता नहीं है बट चलो सिस्टम अब थ्यू क्या बोलता है चलो देखते हैं इसको सिस्टम थ्यू ठीक है तो द सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ओपन अप न्यू वर्ल्ड फॉर मैनेजर दुनिया एक नई दुनिया खोई गई मैनेजर के एंड गिव देम अ न्यू मैनेजमेंट अप्रोच एक नया अप्रोच आ गया भाई सिस्टम अप्रोच दिस मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पिप्रपोजेज दैट बिजनेस कंपराइजेस डिफरेंट पार्ट दैट हैव टू वर्क इन सिनर्जी टू परफॉर्म एफिशियंटली मतलब बिजनेस को सिनाइजी मतलब मिल के अपनी पूरी ताकत एक जगह लगानी पड़ेगी तभी बिजनेस अच्छे से काम कर पाएगा दस जगह ताकत नहीं जगानी होगी ठीक है ना दस इट इम्पै सिनाइजी एंड इंडन बिटवीन द वैलियस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप बिजनेस को अगर अच्छा करना चाहते हो तो हर चीज़ को आपको अच्छा करना पड़ेगा किसी एक चीज से काम नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसे मॉडर्न मैनेजमेंट है गुड वर्क फोर्स आपके पास में अच्छा वर्क फोर्स होना चाहिए अच्छे इम्प्लॉय होने चाहिए इस किटिकल टू एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अब देखो इनके हिसाब से अगर आपके पास में एक अच्छा वर्क फोर्स है तो वो क्रिटिकल है क्या है आप देखो नॉर्मल सेंस की बात है कि किसी के पास में अगर अच्छे वर्कफोर्स होगा तो बिजनेस अच्छा होगा बट ये क्या है कि अगर आपके पास अच्छा वर्कफोर्स है तो ये बहुत क्रिटिकल खतरनाक है बिजनेस के सक्सेस के लिए क्योंकि उनको मैनेज करना भी तो आना चाहिए अच्छे-अच्छे लोग हैं आप खुदे गधे हो कैसे मैनेज करोगे तो ऑल द डिपार्टमेंट एंड सब यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई क्यूसी आई टू इट्स लॉन्ग टर्म वायबिलिटी एंड ग्रोथ की उनका ग्रोथ कैसे होगा वो आगे कैसे पाएंगे ये सब तो सोचना पड़ेगा आपको मैनेजर इन द आई व्हाई आई एक्सपेक्टेड टू एनालाइज देयर ऑर्गेनाइजेशंस पैटर्न एंड इवेंट टू फिगर आउट द बेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भैया आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कैसे आप बिजनेस के गोल को अचीव करोगे कैसे प्रोजेक्ट बनाओगे कैसे काम करोगे ठीक है ना एज अ रिजल्ट दे कैन वर्क टुगेदर ऑन वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट अब इतने सारे लोगों की ताकत को आपको मिला के काम करना है कैसे सब अपने आप में एक्सपर्ट है तो ये आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ठीक है ना ये खाए ना मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ये देखो अब दोस्तों आता है कंटीजेंसी अप्रोच कहता है कंटीजेंसी नाम ही बोल रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलो देखते हैं द कंटीजेंसी थ्रूरी ऑफ मैनेजमेंट इज दैट नो सिंगल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वर्क फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन भैया एक आपने स्ट्रेटी बनाई वो सब जगह काम नहीं करेगी सिचुएशन के हिसाब से हमको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ठीक है ना स्टिड मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर हैव इंपैक्ट ऑन द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी दैट अल्टीमेटली चूजन आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाए बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपकी नीति को अफेक्ट कर सकते हैं ठीक है ना दिस मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिलीव दैट इनका मानना था दे आर थ्री थिंग्स एट द पे व्हेन फिगरिंग आउट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तीन चीजें थी द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द टेक्नोलॉजी इट्स एंड द लीडरशिप स्टाइल मतलब तीन चीजों पर फोकस किया गया था कि भैया बिजनेस का साइज कितना बड़ा है टेक्नोलॉजी कौन सी यूज का है और आपके बिजनेस में रीडर किस टाइप के हैं ठीक है ना ओके okay.

कौन सा करना है ये उसको डिसाइड करना पड़ेगा दिस्ट प्रीफर्ड को वाई का स्केल आई पी सी इज द फाउंडेशन ऑफ द फेडरल कंटीजेंसी थ्यू आई पी सी इज यूज टू इवाइट मैनेजर ओरियंटेशन कौन का मतलब है इनका अपना खुद का एक तरीका था आई पी सी जिससे नापते थे किसकी इफिशियंसी ज्यादा किसकी इफिशियंसी कम है अब दोस्तों बेनिफिट देख लेते हैं बेनिफिट में इस थ्यूरी ऑफ का मॉडर्न थ्यू ऑफ मैनेजमेंट का पहला गया है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई इंसान की स्टैंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंसान की बढ़ गई इनकी इंप्लॉय एंगेजमेंट इंप्लॉय ज़्यादा काम करने लगा गिव्स मैनेजर एंड ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ थिंग लोग चीजों को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने लगे कि हाँ ये काम क्यों करे उनको पता चल गया इनकी एडेप्टिबिटी भैया उनका एडेप्टिबिटी बढ़ गया का मतलब होता है चीजों को ज़्यादा करने ठीक है 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 ना तो भैया ये चैप्टर चैप्टर अपना खत्म होता नेक्स्ट प्लानिंग होप कि आपको चीजें समझ में आ गई टेक्निकल है कठिन है बट मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना कोर्सेज को ज्वाइन करने की, के लिए कॉमर्स सेशन के नंबर पर बात कर सकते हो या फिर कॉमर्स सेशन ऐप को डाउन करियो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैसेज करियो कॉल करियो आपको ऑफर भी मिल जाएंगे अभी बहुत कम पे प्राइस पे आपको कोशिश मैं आए आपके बीकॉम के सेमेस्टर्स के ठीक है ऐसे अपडेट्स के बने आइए मेरे अपने नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू सो मच